दोस्तों हमारे चैनल बॉलीवुड ब्लिंकर पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दिशा पाटनी की इस बिकनी पर बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस बिकनी फोटो पर दिशा पाटनी को नसीहत दे रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड की सुपर सेक्सी एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी तस्वीरों से धमाका करती रहती हैं। वो कभी बिकनी तो कभी शॉर्ट्स में नजर आती हैं। इस बार दिशा पाटनी ने रॉयल ब्लू लॉन्जरी में अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने इस तस्वीर को एक ब्रांड के प्रमोशन के लिए पोस्ट किया था, मगर ये यूजर्स को बिल्कुल रास नहीं आया। ट्रोलर्स ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि देश में आग लगी है, CAA और NRC का विरोध हो रहा है और दिशा पाटनी इस तरह की तस्वीरें पोस्ट कर रही हैं। एक यूजर्स ने इस बिकनी पोस्ट को BJP की तरफ से ध्यान भटकाने वाला बताया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब दिशा पाटनी की बिकनी पर ट्रोलर्स इस तरह रिएक्ट कर रहे हों। पहले भी उन्हें खूब विरोध झेलना पड़ा है। दिशा पाटनी की सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरों की भरमार है जिसमें वो बिकनी पहनी नजर आई हैं। उन्हें ऐसी तस्वीरें शेयर करने में कोई परहेज नहीं है। वो फिर से एक नई बिकनी की तस्वीर पोस्ट करके अपने ट्रोलर्स को जवाब देती हैं। बताते हैं वो एक पोस्ट के जरिए इंस्टाग्राम पर हजारों रुपए कमाती हैं। दिशा के दीवाने उनकी लुक्स को लेकर तमाम तरह की बातें करते हैं। वैसे ट्रोलर्स भले ही कुछ कहें, मगर टाइगर श्रॉफ ने दिशा पाटनी की इस तस्वीर को लाइक किया है। ब्रेकअप की खबरों के बीच दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ एक साथ देखे गए हैं। ये तस्वीर उसी डिनर डेट के बाद की है जब दिशा बॉयफ्रेंड टाइगर के साथ मुंबई के बास्तियान रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट की गई। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि बॉलीवुड के इस यंग कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मगर फिलहाल टाइगर श्रॉफ ने इसे झुठला दिया है। दिशा पाटनी के वर्क फ्रेंड की बात करें तो टाइगर श्रॉफ के साथ बागी 3 फिल्म में वो नजर आएंगी। इसके अलावा उनके पास मलंग है जिसकी शूटिंग वो आदित्य रॉय कपूर के साथ कर रही हैं। सलमान खान के साथ राधे फिल्म में भी दिशा पाटनी नजर आएंगी। मतलब कह सकते हैं कि दिशा पाटनी अपने हॉट लुक से फैंस को दीवाना बनाने वाली हैं। बॉलीवुड से जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।